हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रस। रस के बारे में आप लास्ट की दो क्लास में पढ़ भी चुके हैं कि रस का मतलब क्या है या फिर रस की परिभाषा क्या है। ठीक है, यहाँ पर एकदम साफ साफ लिखा है कि रस का अर्थ क्या होता है, आनंद। लेकिन अगर हम इसको साधारण बोलचाल की भाषा में अगर हम इसका अर्थ जाने तो हम यही पाते हैं कि जो रस का मतलब होता है वो होता है हमारे मन में उठने वाले जो भाव होते हैं। यानी अगर आप कोई कहानी, नाटक, उपन्यास या रास्ते में चलकर या किसी टीवी सीरियल को देखकर, मूवी को देखकर आप जब देखते हैं तो आपके मन में जो भाव उठता है, ठीक है, जो भाव उठता है उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, रस का नाम दे सकते हैं या फिर रस की संज्ञा दे सकते हैं। तो रस का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ को देखकर हमारे मन में जो भाव उठता है उसे हम क्या कहते हैं, रस बोलते हैं। फिर यहाँ पर हमने ये भी चीज़ पढ़ा है कि रस के कितने अवयव होते हैं। रस के कितने अवयव होते हैं, यहाँ पर हमने ये भी चीज़ पढ़ा है कि रस के चार अवयव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये भी चीज़ देखते हैं कि रस के अवयव कौन कौन से हैं। स्थायी भाव, आपको लास्ट की क्लास में बताया गया कि स्थायी भाव क्या होता है, जब हम किसी कविता या कहानी या नाटक को देखते हैं या पढ़ते हैं तो स्थायी रूप से हमारे मन में जो भाव उठता है उस भाव को क्या होते हैं, कहते हैं स्थायी भाव कहते हैं। यानी इस भाव में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, अगर हम किसी हास्य कविता को पढ़ रहे हैं तो हमारे मन में जो हंसी का भाव होगा वो बार बार परिवर्तित नहीं होगा। यानी कि हंसी कभी रोने में नहीं कन्वर्ट होगा, वो स्टार्टिंग से लेकर अंत तक क्या होता है, वो एक समान बना रहता है। इसीलिए स्थायी भाव को क्या कहते हैं, प्रधान भाव भी कहते हैं। और ये शुरू से लेकर अंत तक काव्य में या कहानी में या नाटक में या किसी भी चीज़ में एक समान रूप से बना रहता है, इसी कारण से इसको स्थायी भाव कहते हैं। फिर दूसरा आपका आता है विभाव। विभाव क्या होता है, आश्रय होता है। ठीक है, यानी कि जहाँ से रस प्रकट होता है। अब आप देख रहे हैं किसी चीज़ को या आप कहानी को पढ़ रहे हैं, नाटक को पढ़ रहे हैं, का उपन्यास को पढ़ रहे हैं, तो आप क्या हो गए, आश्रय है, क्योंकि आप ही के अंदर वो भाव उठ रहा है, तो आप क्या हो गए, विभाव हो गए। फिर तीसरा आपका आता है अनुभव। अनुभव का मतलब है जो आपकी हरकतें, यानी आपने हंसी की कविता पढ़ी या सीरियल देखा तो आप हंसने लगे, रोने वाली चीज़ देखी तो आप रोने लगे, डर वाली चीज़ें तो देखकर आप सहम गए, तो जो आपकी हरकतें हैं वो क्या हो गई, वो विभाव हो गई। और संचारी भाव, संचार का मतलब होता है बार बार क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो संचारी भाव मतलब क्या होता है, यानी एक भाव हटाकर फिर दूसरे भाव का आना। तो संचारी भाव में हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि संचारी भाव स्थायी रूप से किसी काव्य में मतलब नहीं, हमारे मन में नहीं रह सकता, क्योंकि कभी हम हंसेंगे फिर तुरंत तो अचानक से सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर अचानक से हमको दुख होगा, फिर अचानक से हम मतलब हम उत्साह से भर जाएंगे। तो इस संचारी भाव क्या होता है, हमेशा परिवर्तित रहता है, और यही कारण है कि वो स्थायी भाव से चेंज होता है, क्योंकि स्थायी भाव क्या होता है, वो शुरू से लेकर अंत तक काव्य में एक समान रूप से बना रहता है। लेकिन संचारी भाव क्या होता है, वो बाहर लाइन में परिवर्तित होता रहता है। विभाव आपका क्या हो गया, आप हो गए, और आपकी हरकतें क्या हो गई, अनुभाव हो गई। तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। फिर हम पढ़े थे कि रस के कितने प्रकार होते हैं, तो हम बता भी चुके हैं कि पहले जो रस की संख्या थी वो 9 थी, लेकिन अब क्या हो गया, उसकी संख्या बढ़ाकर 11 कर दी गई है। तो पहले जो रसों की संख्या थी वो सिर्फ 9 तक थी, लेकिन अब ये जो लास्ट के दो रस हैं, यानी कि वात्सल्य रस और भक्ति रस, इन दो रस को और ऐड करके अब इसकी संख्या क्या कर दी गई है, 11 कर दी गई है। और ये भी चीज़ आपको बताया गया है कि एग्ज़ाम में आपका जो पैराग्राफ देकर ये तो पूछेगा है कि वो कौन सा रस है, लेकिन साथ ही साथ ये भी पूछेगा कि उसका स्थायी भाव क्या है। ठीक है, तो आप स्थायी भाव को अच्छे से एक बार पढ़ लेना, क्योंकि स्थायी भाव भी एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो अगर हम ये चीज़ देखते हैं कि श्रृंगार क्या मतलब क्या होता है, तो अगर हम इसका स्थायी भाव जान जाए कि श्रृंगार का मतलब रति या फिर क्या होता है, प्रेम होता है, तो हम समझ जाएंगे कि जिस कविता में प्रेम से जुड़ी हुई बातें की जा रही है वहाँ पर श्रृंगार है। अगर भय से जुड़ी हुई बातें की जा रही है तो यानी वहाँ पर भयानक रस है। अगर छोटे के प्रति प्रेम दिखाया जा रहा है तो वहाँ पर वात्सल्य रस है। तो स्थायी भाव के आधार पर हम समझ जाते हैं कि उस काव्य में किस रस का प्रयोग किया गया है। तो इसीलिए काव्य में स्थायी भाव का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ पर हम लास्ट वाली क्लास में ये भी चीज़ पढ़ाया गया था कि काव्य रस के प्रकार में सबसे पहला जो रस आता है वो श्रृंगार रस होता है। और ये भी चीज़ अभी जस्ट बोले हैं कि श्रृंगार का मतलब, श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है, प्रेम। और प्रेम का मतलब होता है कि यहाँ पर संस्कार या फिर मर्यादा से भरे हुए प्रेम की बात की जा रही है। ठीक है,
यानी कि नायक और नायिका के बीच का जो प्रेम है वो संस्कार और मर्यादा से भरा हुआ प्रेम है, उस चीज़ को जब काव्य में दिखाया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, श्रृंगार रस का प्रयोग किया जाता है। लास्ट वाली हम क्लास में ये भी चीज़ बताए थे कि श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक होता है आपका संयोग श्रृंगार, दूसरा होता है आपका वियोग श्रृंगार। संयोग में क्या होता है कि जब नायक और नायिका का आपस में मिलन होता है और उस उन लोगों के संस्कार या मर्यादित प्रेम को दिखाया जाता है तो वहाँ पर आपका संयोग श्रृंगार होता है, क्योंकि संयोग का मतलब होता है मिलना और वियोग का मतलब होता है बिछुड़ाव। तो जहाँ पर नायक और नायिका के बीच के में दूरी दिखाई गई है, बिछुड़ाव दिखाया गया है, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ बताया गया है कि चाहे वो साथ रहे या दूर रहे लेकिन फिर भी दोनों के बीच के आपस का जो प्रेम है वो ख़त्म नहीं होता है। तो इसीलिए संयोग हो या फिर वियोग हो, दोनों को क्या किया गया है, श्रृंगार रस के अंतर्गत रखा गया है। तो हमने लास्ट वाली क्लास में रस के बारे में पढ़ा था, रस के अव्यय पढ़ा था, रस के प्रकार पढ़ा था और श्रृंगार रस के क्या परिभाषा होती ये चीज़ पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं कि हमारा ये आगे का कौन सा रस है, ठीक है। तो दूसरा आपका आता है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, आप पढ़े ही होंगे कि हास्य रस का स्थायी भाव जो होता है वो हास होता है। और यहाँ पर जब हम किसी कविता या कहानी को देखते हैं तो जो उस कहानी को देखकर, सुनकर या पढ़कर या उसको समझने के बाद अगर हमारे मन में हंसी का भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, हास्य रस हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप एग्जांपल में ले लीजिए, आप रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है, रास्ते पे चल रहा है तो नॉर्मल एक बाइक पे आप 2 से 3 लोग को देखेंगे तो वो आपको आपको देख के थोड़ा आश्चर्य नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप रास्ते पे चल रहे हैं और आप ये देखेंगे कि इंसान पैदल चल रहा है और कुत्ते को उठाकर बाइक पर बैठाकर चलाया जा रहा है तो उसको देखकर आपकी नज़रें ऑटोमेटिक उस साइड चली जाएंगी, ठीक है। और साथ ही साथ आप खुद तो देखेंगे लेकिन दूसरे को भी दिखाएंगे और साथ साथ उस इंसान के ऊपर हंसेंगे भी कि देख लो वो कुत्ते को बैठाकर घुमा रहा है। तो उसी चीज़ को, यानी कि जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आपके मन में जो भाव उठ रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, हास्य रस, या वो जो होता है वो आपका रस कहलाता है। अब रास्ते पे आप चल रहे हैं और इंसान पैदल चल रहा है, सड़क पे चल रहा है और कुत्ते सवारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप हंसेंगे ही हंसेंगे। तो उसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया कि पिल्ला लेनी गोद में मोटर भई सवार, यानी कि गोद में क्या हो गया है, कुत्ते को ले लिया गया और उसको गाड़ियों पे बैठा कर घुमाया जा रहा है। तो अब आप उसको देखकर अचानक से आपकी नज़रें उसकी तरफ जाएंगी और आपके चेहरे पर एक मुस्कान आएगी आएगी। फर्स्ट वाला एग्जांपल है हास्य का दंगा हुआ नंगा के विवाह में। यहाँ पर इस वर्ड का मतलब जो है नंगा, इसका मतलब है कि काफ़ी ज़िद्दी इंसान, काफ़ी लड़ने वाला इंसान। अगर खूब, जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल में लीजिए कोई इंसान है जो काफ़ी लड़ता है, ठीक है, वो अपने लड़ने की वजह से फेमस है और उसके किसी घर के फंक्शन में भी अगर लड़ाई हो जाए तो हंसी आएगी ना कि देख लो जो सबसे लड़ता है आज उसके घर भी लड़ाई हो रही है। तो वही होगी, वही वाली बात हो गई ना कि चोर के घर भी चोरी हो गई, ये तो हंसने वाली बात हो गई। तो वहाँ पर भी यहाँ पर क्या हो गया, हास्य रस का प्रयोग होता है कि एक ऐसा इंसान जो खुद ही सबसे लड़ता है उसके घर भी आज क्या हो गई, लड़ाई हो गई। फिर थर्ड वाला एग्जाम्पल है विंध्य के वासी उदासी। विंध्य के वासी उदासी, पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिन नारी दुखारी भय, यानी कि जो विंध्य के वासी हैं, जो एक विंध्य एक स्थान है वहाँ के जो भी वासी हैं वो लोग क्या हैं, सारे सन्यासी हैं, मतलब सारे पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग क्या हैं, यहाँ पर साफ दिखा गया है तपोव्रतधारी, यानी कि जो तप को धारण करते हैं। तो तप को धारण तो वही करेगा ना जो सन्यास लिया रहेगा या जो पूजा पाठ करेगा। तो जो जितने भी विंध्य के वासी हैं वो सारे लोग उदास हैं। और कौन वो कौन लोग उदास हैं, जो लोग तप धारण करते हैं। क्यों उदास है, बिन नारी दुखारी भय, यानी एक सन्यासी होने के बावजूद भी अगर कोई इंसान किसी औरत के वियोग में दुखी है तो ये क्या है, ये हंसने वाली ही बात है। क्योंकि अगर आप सन्यासी हैं तो आपको दुनियादारी से बिल्कुल कोई भी मोह माया नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप सन्यासी होने के बावजूद भी अगर आप मोह माया से लिपटे हुए हैं तो ये आपके लिए क्या है, एक हंसने का विषय है, या फिर दुनिया के लिए हंसने का एक विषय है। तो यहाँ पर वही बात रखी गई है कि विंध्य के वासी उदासी, यानी कि विंध्य के जितने भी वासी लोग हैं वो सभी लोग उदास हैं। तपोव्रतधारी, यानी सभी लोग क्या हैं, सन्यासी हैं, तप को धारण करने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी
बिनु नारी दुखारी वह, यानी कि बिना नारी के, बिना स्त्री के वो लोग का जीवन क्या है, काफ़ी दुख में बीत रहा है। अरे अगर आप सन्यासी हैं तो आपको स्त्री रहे ना रहे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास नेम वेम रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बावजूद भी, सन्यासी होने के बावजूद भी उन्हें दुख है कि उनके जीवन में कोई खुशियाँ नहीं है, तो ये अपने आप में ही क्या है, एक हंसने वाली बात है। यहाँ पे आप एक एग्जांपल सुने होंगे कि आप देख सुने होंगे कि जब राम वन में जाते हैं तो एक पत्थर से उनके पैर से एक पत्थर टकराता है और वो पत्थर क्या हो जाता है, नारी के रूप में बदल जाती है और वो उसका नाम अहिल्या होता है। तो वो यही सोच रहे हैं कि अभी इधर से राम आएंगे और शायद जिस तरह से वहाँ के लोगों का दुख दूर हुआ, अहिल्या जो पत्थर में थी वो इंसान के रूप में बदल गई, तो शायद इधर से राम गुजरेंगे तो शायद इधर के लोगों का दुख भी क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा और उनके जीवन में भी फिर से क्या हो जाएगी, खुशियाँ आ जाएंगी। तो उसी चीज़ को इन्होंने लिखा है, गौतम ती तरी तुलसी सो कथा सुनी भय मंद सुखारे, यानी कि जो गौतम ऋषि की जो पत्नी थी, ठीक है, उनके बारे में इन्होंने क्या है, एक कथा सुनी थी, हैं शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे, कीनी भली रघुनायक जो करुणा करके करुणा पगधारे। यानी कि हमने सुना था कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी वो क्या थी, पर पत्थर के रूप में थी और जब राम के पैरों से वो टकराई तो वो पत्थर इंसान के रूप में बदल गया, तो शायद जो करुणा निधि है यानी जो राम है वो फिर से इधर आएंगे और यहाँ के लोगों का दुख भी उसी तरह से दूर करेंगे जैसे उन्होंने अहिल्या और गौतम ऋषि का दुख दूर किया। तो सोचिए अगर एक सन्यासी इंसान होने के बावजूद भी अगर वो इस तरह की बातें करें, दुनियादारी की बातें करें, तो वो अपने आप में ही क्या एक हंसी का विषय है। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आप कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले ही आप चले जाके देख लीजिएगा, आशाराम बापू के बारे में सब सुने ही थे, कहने को एक ऋषि थे लेकिन जब उनके बारे में पता किया तो उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें सामने आई, तो फिर क्या हो गया, वो एक सन्यासी तो थे लेकिन बाद में वो क्या हो गया, लोगों के सामने एक मजाक का पात्र बन गया। तो उसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, कोई कील चुभाए हो तो उसे हथौड़ा मार, इस युग में तो चाहिए जस को तस व्यवहार। सिंपल सी बात है कि अगर कोई आपको थोड़ा एक बोले तो आप उसको दो बोलिए, ये गांधी जी वाला ज़माना गया कि अगर आपको एक गाल पे मारे तो आप दूसरा गाल दीजिए, यहाँ वो वाला ज़माना हट गया, अब अगर आपको कोई एक गाल पे मारे तो आप उसको बैठा के मारिए, ये वाला टाइम आ गया। तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिखाया गया, कोई कील चुभाए तो उसे हथौड़ा मार, यानी अगर कोई आपको थोड़ा सा भी दुख पहुंचाता है तो आप उसके ऊपर दुखों का पहाड़ ढकेल दीजिए, अगर आपको कोई कील चुभाता है तो आप उसके हाथ पे सर पे हथौड़ा मार दीजिए। तो ये भी क्या है, अपने आप में एक हंसी वाली बात है कि सामने वाला कुछ बोल गया और हम उसको इतना सुना दिए कि सामने वाला फिर बोलने लायक नहीं रह गया। इस युग में तो चाहिए जस को तस व्यवहार, यानी वो पहले वाला टाइम गया कि कोई कुछ भी बोल जाए और चुपचाप सुनते रहो, नहीं, इस युग में वही व्यवहार चाहिए कि अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसको तुरंत वैसा रिप्लाई कर दो। तो यहाँ पर वही है कि अगर आप किसी ऐसी चीज़ को देख रहे हैं, यानी अगर आप रास्ते में चल रहे हैं और अगर देख आप रास्ते में चल रहे हैं और देखते होंगे कहीं झगड़ा हो रहा है, तो आप झगड़े को देख कर आप शॉक्ड नहीं हो जाते हैं, बल्कि आपको हंसी आती है कि देख लो कितना सब आपस में लड़ रहे हैं। तो उसी चीज़ को इस पैराग्राफ में दिखाया गया। तो वही बात है ना कि हम रास्ते में चल रहे हैं या किसी कहानी को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो हमारे मन में जब हंसी का भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, हास्यरस हो जाता है।